सो हे गाइस, क्या हाल है आप सभी का? कैसे हो आप लोग? भाव थोड़ा सा बिजी लग रहे हो यार, कुछ हुआ है क्या? सिर्फ थोड़ा क्या हो गया था, थोड़ा मैं काम में ऐसा बिजी हो गया था ना, थोड़ा बिजी हो गया था, वो भी सब लोगों के सामने आ जाएगा मैं कौन से काम में बिजी होएगा। आई थिंक वो आ गया सबके सामने, आप सब लोगों के सामने आ जाएगा मैं कौन से काम में बिजी होएगा। और जले पे नमक चिरने वाली बात यह है दोस्तों कि न्यूज सेक्शन पे भी इसके ऊपर एक न्यूज आ चुका है। अरे शर्म करो, इसके ऊपर भी बात करेंगे क्या होने वाला है। मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत किए हो, बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, अब सब कुछ क्या वेस्ट हो जाएगा, क्या सब चले जाएंगे, क्या होगा उसके ऊपर बात करेंगे। पर उससे पहले कुछ अपडेट है वो दे देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉप इवेंट के बारे में। तो गाइस, नेक्स्ट टॉप इवेंट होने वाला अपना फीमेल कैरेक्टर के ऊपर। तो गाइस, नेक्स्ट टॉप इवेंट के अंदर अपना नया फीमेल कैरेक्टर आइरिस आने वाली है। और आइरिस अकेली नहीं आएगी, आइरिस अपने साथ साथ अपना डिलक्स वाला बंडल लेके आएगा। मतलब आपको दो आइटम मिलेगा, कैरेक्टर एंड उसका डिलक्स बंडल। तो गाइस, ये होने वाला अपना नेक्स्ट टॉप इवेंट। उसके साथ साथ गाइस, यहाँ पे आने वाला है दो इवेंट्स, जिसमें से एक है अपना इमोट पार्टी वाला। और इमोट पार्टी में गाइस आप लोगों को यहाँ पे नया इमोट देखने के लिए मिलेगा, जस्टिन बीबर वाला। और उसके साथ साथ कुछ पुराने इमोट्स भी इसके अंदर आएंगे। कब आएगा डेट आप लोगों को बता देता हूँ। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और इवेंट आपको मिलेगा देखने के लिए, जो कि होने वाला है टोकन टावर इवेंट। नहीं, रेड क्रिमिनल वाला टोकन टावर नहीं गाइस, क्योंकि वो तो आपको 13 तारीख मिल ही रहा है। और ये जो होने वाला गाइस, ये होगा 5th एनिवर्सरी का अपना मेल बंडल जो है ना उसके ऊपर। और इसके साथ आपको फिस्ट का स्किन भी मिलेगा। तो 5 टोकन के बदले में आपको मेल बंडल मिल जाएगा एंड 4 टोकन के बदले में आपको फिस्ट का स्किन मिल जाएगा। सो गाइस, आप लोगों को बताने की ये दोनों चीजें सही है, मतलब लेने लायक है कि नहीं लेने लायक है। और ये आपको मिलेगा 16 तारीख को देखने के लिए। तो 16 तारीख को आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। सो अभी गाइस वापस आकर बात करते हैं यहाँ पे जो नोटिस आया उसके ऊपर। क्या यहाँ पे आपके पास जो भी इंक्यूबेटर के कॉस्ट्यूम्स आपने लिया था, जो ग्लिच हुआ था, हम लोगों ने सबने देखा था, वो क्या वापस ली जाएगी? तो इसका आंसर है यस, ये 18 तारीख तक वापस कर लिया जाएगा। और क्या क्या वापस किया जाएगा? जो ब्लूप्रिंट आपने यहाँ पे लिया था वो ब्लूप्रिंट वापस कर लिया जाएगा। और जो कॉस्ट्यूम हमने लिया था वो कॉस्ट्यूम यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे। और जब ये ग्लिच हुआ था तो बाउंड्री टोकन के बदले में ये सारे आइटम्स मिले थे, तो बाउंड्री टोकन आपका खर्चा जो भी हुआ था वो भी यहाँ पे वापस कर दिए जाएंगे। सो यहाँ पे ये सारी चीज है। और 18 तारीख के अंदर अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए 18 तारीख तक इंक्यूबेटर नहीं रहेगा, उसके बाद वही इंक्यूबेटर वापस से दे दिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पूरा चीज समझ आ गया है, कोई यहाँ पे आईडी बैन वैन नहीं होने वाला है, सब बेफिक्र रहो। और गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनका भी डाउट कम हो जाए। और चैनल को पढ़ने हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो ताकि हम लोग को ऐसी हर एक अपडेट मिल सके। और मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।